सोच हाँ, क्या हुआ सर? अचानक से खड़े कर एकदम मोच आ गई मेरे पैर में। देखिए इनके मोच आ गई है, इसको सही करने का तरीका हम बताते हैं। आप इस तरीके से बैठ जाओ, ऐसा ये तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप लोग भी कर सकते हो देख के सीख के घर पे, और ये बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप हो जाएगा। अब ये मेरे को दुपट्टा दो आपका, ये देखिए ये दुपट्टा ऐसा स्टॉल हर जगह होते हैं ऐसे बड़ी, तो इसको आपने क्या करना है, पैर को जहाँ मोच लगी है उस पैर को उठा के इस तरीके से इसके बीच में रखना है। और उसके बाद जैसे घर में बेलन रहेगा या आपके घर में कुछ लकड़ी हो या आपके घर में कोई बोतल वगैरह हो तो उसको लेके इस तरीके से, आप लोग भी करके बताओ, इस तरीके से करना है और उसको इस तरीके से मुड़ते चले जाना है। और जब आप इसे करोगे तो थोड़ा टाइट टाइट हो जाएगा, ये ऐसे पास लाके इस तरीके से आपने करना है तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब इनको पैर पे टाइट लगेगा, फिर क्या करना है कि जैसे दर्द पता करना है कि किस तरफ है, इस तरफ हो रहा है तो आपने क्या करना है इसके अपोजिट साइड खींचना है, उसके बाद फिर जिस तरफ दर्द हो रहा है उस तरफ ले जाना है, फिर ऐसे करना है और इसको और टाइट कर लेंगे इस तरीके से। तो आप जब जिस तरफ दर्द हो रहा हो उसके अपोजिट साइड जब इस तरीके से थोड़ी देर खींच के रखोगे तो क्या होगा कि उनको धीरे धीरे करके आराम आ जाएगा तुरंत के तुरंत। कई बार क्या होता है कि अगर इस तरीके से नहीं करते तो बाद में जाके प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इस चीज को अगर आप तुरंत खत्म करना चाहो तो ये आप सीख सकते हो। जैसे इस तरफ दर्द आ रहा है तो हमने इसको इस तरफ खींच के रखा है, और अगर दर्द इस तरफ आ रहा है तो हमने इस तरफ खींच के रखा है इस तरीके से। ये देखिए ये सब लोग भी करके सीख रहे हैं, ऐसा आप भी देख के कर सकते हो और इससे तुरंत ही आराम आता है। और क्या होगा कि ये स्वेलिंग वगैरह जो है आगे और ज्यादा बढ़ेगी नहीं। और इसी चुन्नी से आप अपना सर्वाइकल भी ठीक कर सकते हो, इसमें भी आप किसी की मदद लेके इस तरीके से कर सकते हो। देखिए जैसे इनके पास एक प्रॉप था तो इन्होंने क्या किया बोतल को, लेकिन ये थोड़ा सा टाइट रखना है इसको, इस तरीके से टाइट रखना है कि जिस ये आपका हिले नहीं। और फिर आपने इसको पास लाके इस तरीके से, और फिर जिस तरफ दर्द है उसके अपोजिट साइड खींचना है। अपोजिट साइड खींचने से क्या होगा, दर्द में आराम मिलेगा। आप इसको करके देखो, आप भी करो इनको सर्वाइकल। अब देखिए इनके सर्वाइकल की दिक्कत है, आप इधर आ गए हो यहाँ पे, नहीं पे खड़े रहिए। ये देखो अब जैसे सर्वाइकल में आपने क्या करना है इस तरीके से, ये हाथों को इस चुन्नी में इस तरीके से लेना है। हाँ ठीक है, कोई दूसरी चुन्नी है क्या? ठीक है, और उसको इस तरीके से करना है। ठीक है, ये बेल्ट ले सकते हैं। ठीक है, हाँ इस तरीके से। अब जैसे हमने लिया, ठीक है, चुन्नी दुपट्टा कुछ बड़ा सा आपने ले लिया, और इसको इस तरीके से, और यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ के, ठीक है, ऐसे हो जाओ। इस तरीके से हमने खींच के रखना है, और गर्द इस यहाँ पीछे जोर देने से क्या है कि ये स्ट्रेच आ रहा है, और स्ट्रेच आने से क्या हो रहा है कि आपका सर्वाइकल की जो ये पूरा जो एरिया है ना, ये आगे की तरफ झुक जाता है, इस वजह से सर्वाइकल की दिक्कत आती है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका जो सर्वाइकल है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगा। और इसको बांध के, अगर जैसे बहुत पुराना पेशेंट है ना तो आप इसको बांध के इस तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं। जैसे इस तरीके से कस के हमने बांध दिया और इसको फिर छोड़ दिया, अब आप थोड़ा सा घूम भी सकते हो ऐसे, मतलब टहल सकते हो 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट बहुत है, जितनी पुरानी प्रॉब्लम है जैसे ये, हाँ घूम सकते हैं, ये प्रॉप से किया है। ठीक है, अब हर जगह प्रॉप्स तो नहीं मिलते हैं, हाँ हाथ ऐसे ही रहेंगे, हर जगह प्रॉप्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप ऐसे हाथ मोड़ भी सकते हो इस तरीके से पीछे ऐसे। ठीक है, हाथ मुड़े रहेंगे या सीधे रखो आप, लेकिन ये प्रॉप हर जगह नहीं मिलते हैं, तो आप चुन्नी से या किसी चीज से कर सकते हो। हाँ, टाइट रहना जरूरी है, क्योंकि तो ये जोर जो है ना ऐसे पीछे की तरफ आना चाहिए। चुन्नी ज्यादा अच्छा होगा, हाँ चुन्नी से ज्यादा अच्छा होता है। प्रॉप करने का प्रॉपर सेटिंग रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर करके बस, जोर हमारा ये रहेगा कि ये पीछे की तरफ आए, कंधे जो है पीछे की तरफ जाएं, क्योंकि लोग कंधे ऐसे आगे झुक जाते हैं इस तरीके से, और ये जो पोस्चर है गर्दन आगे झुका के, तो ये दिक्कत करता है। इसीलिए प्रॉप्स का यूज हम करते हैं, और या आप अपनी घर में अगर कर रहे हो तो चुन्नी के यूज से आप सर्वाइकल और जो मोच हमने बताया ऐसी, वो ये बेल उठाइएगा। ठीक है, और ज्यादा अच्छा करना है तो पेशेंट को लिटा के, कोई एक लेटो, चलिए आप करो इनके। ठीक है, इस तरीके से बेलन मसाज भी आप कर सकते हो, और थोड़ी देर तक अगर इसको पकड़ के रखना है, नहीं पकड़ के रख सकते तो आप इसको बांध सकते हो। पेशेंट को इस तरीके से करना है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये हो रही है बेलन वाली मसाज, इन लोगों ने पहले वीडियो देखा हुआ है,
अब देखिए ये इसको नीचे से ऊपर ले जाओ और नीचे से ऊपर लेके आओ और ऊपर से नीचे, ये पूरे स्पाइन की मसाज है। इसको आप डेली अगर करोगे, स्पाइन पे भी कर सकते हो, इसको पैरों पे भी कर सकते हो, गर्दन पे भी कर सकते हो, तलवों पे भी कर सकते हो। और इससे पहले हमने वीडियो बताया कि कैसे सियाटिका, एड़ी का दर्द, तमाम उन दर्दों के लिए आप इस बेलन का फायदा उठा के ठीक कर सकते हो। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मेरे प्रीमियम वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप क्लियर इस करना आपने .com पे जा सकते हो, और वीडियो चैटिंग के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद।